हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसीएस में। मैं शिवम हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथ की एक नई क्लास लेकर। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ से संबंध में सवाल लगाने वाले हैं। आज के इस क्लास में एलसीएम एचसीएफ के जो भी पिछले साल आए हुए प्रश्न थे, एसएससी में हुआ, रेलवे में हुआ, किसी भी एग्जाम में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे एलसीएम एचसीएफ में, उन सबको लगाना शुरू करेंगे। पिछली की दो क्लास अभी जो चली है, जो एलसीएम एचसीएफ की थी, उन दोनों क्लासों में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इनको निकालने की विधियां क्या क्या होती हैं, उन सारी बातों पर चर्चा किए थे। आज की क्लास में उन सभी से संबंध में सवाल को सॉल्व करेंगे, समझेंगे किस किस प्रकार के सवालें आती हैं, उन सारे सवालों को कैसे सॉल्व किया करते हैं, उसके बारे में आज चर्चा होगी। यहाँ पे क्लास नंबर 34 है, 34वीं क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब 33 क्लास अभी तक चल चुकी है मैथ की। जिन लोगों ने भी मैथ की उन सभी पीछे क्लासों को ना देखा हो, वो बारी बारी से समय निकाल के क्लासों को कवर करें जल्दी से, क्योंकि वो सभी भी क्लास में जितनी भी क्लासेस थी सब में कुछ कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाया गया, कुछ न कुछ कुछ बेहतर आपको बताया गया है। जैसे चाहे वो एलसीएम एचसीएफ के बारे में हो या फिर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में हो, क्यूब या क्यूब स्क्वायर के ही बारे में बात करें, या फिर सरलीकरण का, बोर्ड मास का रूल हो, हर जगह पे मैंने कुछ न कुछ बेहतर करने का प्रयास किया है। तो उन सभी सवालों को, उन सभी क्लासों को जल्दी से जाकर आप टाइम निकाल कर जब भी हो उसको देख लीजिएगा, जिससे आप भी साथ में हो जाओ और साथ में मिलकर काम करें। चलेंगे, शुरुआत करेंगे पहले सवाल का आज के इस क्लास का। तो पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा कुछ इस प्रकार। ये मैं मासा से प्रश्न ले रहा हूँ। पहला जो अभी के क्वेश्चन की जो सीरीज आने वाली है, जो भी 10 20 50 जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। और आज की क्लास का जो क्वेश्चन होगा वो बेसिक क्वेश्चन उठा रहा हूँ पहले, क्योंकि आपको बेसिक से एडवांस की ओर लेके चलना है। तो आज पहले सवाल जो बनेगी वो काफी बेसिक लेके दिखाता हूँ। जैसे लिखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन 20 है और 250 है, वह यहाँ पर 120 लिखा गया है। 20, 250 से 120 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। का एचसीएफ कितना होगा ये बात करना है, एचसीएफ को हमको फाइंड करना है। और रही बात ये क्वेश्चन का, क्वेश्चन जो है एसएससी के सीएचएसएल में आया हुआ है। ये एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम में आया हुआ था, टीयर फर्स्ट में 2019 का प्रश्न है। ठीक है, ये इस प्रश्न के बारे में बताया गया है। और इसके जो ऑप्शंस होंगे आपके पास, ऑप्शन पहला जो होगा वो होगा, पहला ऑप्शन यहाँ लिखूंगा मैं खुद कि 15 होगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है 10 है। तीसरा ऑप्शन जो होगा वो होगा 25 हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास 20 होगा। तो क्या करना है, 120 और 250 और 20, ये तीन अंक हैं, तीन संख्याएं दी गई हैं। इन तीन संख्याओं का निकालना हम सबको है। एचसीएफ देखिएगा, एचसीएफ निकालने कई विधियां थी, गुणनखंड विधि थी, भाग विधि थी, या फिर अपवर्त विधि से, हम लोग भी अपवर्तक विधि से काम कर सकते हैं, समापवर्तक विधि से। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग भाग विधि को प्रिफर करने वाले हैं, भाग विधि को ही यहाँ पे लगाएंगे, भाग विधि से हम लोग समझेंगे कैसे होगा। या फिर आप चाहो तो गुणनखंड विधि भी आपके लिए काम कर सकता है। तो चलिए एक बार गुणनखंड करके दिखाता हूँ सवाल को। गुणनखंड के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले गुणनखंड कीजिएगा, 20 को गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 10 मैं कह दूं, क्योंकि यहाँ पे 10 सब में कॉमन हो सकता है, इसलिए ऐसा कुछ व्यवस्था बना ही रहा हूँ, 2 × 10 हो जाएगा। आगे यहाँ पे 250 लिखा गया है, 250 के बारे में क्या कहेंगे, 250 का मतलब 5 × 25 होगा, 25 × 250 इतना बना देंगे। अगला यहाँ पे 120 होने वाला है, 120 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो 10 को निकाल दें, बचेगा 12 और 4 × 12 कर लीजिए, क्योंकि कोई यहाँ कॉमन होगा नहीं, तो आप कुछ भी कर लेंगे चल जाएगा सबका सब। इस हिसाब से क्या बना है, हमने 20, 50, 20, 250 और 120 का गुणनखंड निकाला। अब गुणनखंड विधि में क्या होता है, एचसीएफ निकालना है। तो जो सब में उभयनिष्ठ हो जाए उसे एचसीएफ कहते हैं। सब में उभयनिष्ठ क्या होगा, सब में उभयनिष्ठ हमारा जो संख्या होगा वो क्या होगा, 10 होगा। हमारा एचसीएफ का जो मान आया कितना आ गया, 10 आ गया। इस तरीके से आसान सवालों को आसान तरीके से काम करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकेंड आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से पहले सवाल लग चुकी है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ भी होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात थी कि एचसीएफ निकालना था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, देखिए किस तरह से आने वाला है और उसको कैसे आप करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी है वो एसएससी के या फिर किसी भी रेलवे के, चाहे जहां पे एग्जाम हो, क्यों ना कोई एग्जाम में पूछे ही गए क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को हल्के में आंकना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो होगा, सेकेंड अभी आपके लिए आने वाला है, 72 है
और 48 का एस एफ निकालना है, का एच सी एफ, एस सी एफ निकालना है। और फिर दूसरा क्या होगा यहाँ पे, ये रेलवे एनटी पीसी के ऑनलाइन एग्जाम में आया था, और ये यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये कई सेट में आया था, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। ये रेलवे एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, और ये एनटीपीसी में था, एनटीपीसी ऑनलाइन एग्जाम में आया था, ये हुआ था 19 जनवरी को एग्जाम में आया था, और फिर 22 फरवरी को 2017 में आया हुआ था, ठीक है। और 31 मार्च के बारे में बात करें, और 7 अप्रैल को, और फिर इसके बाद 28 मार्च को, ठीक है, ये आया हुआ था कहाँ पर, 2016 में। तो ये क्वेश्चन काफी ऐसा काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं तो इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि कई बार आया, ये नहीं कि आपके एक भी एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ मेरा अवधारणा नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मतलब कि एनटीपीसी या फिर इन छोटे एग्जामों में आ जाया करते हैं, और जहां से आप बेहतर काम कर सकते हैं। ऑप्शन मैं लिख चुका हूं यहाँ पर, 24 के साथ होगा ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है, लिखा है क्या 72 और 48 का एस सी एफ कितना होने वाला है रेलवे के एनटीपीसी ऑनलाइन एग्जाम में, 1, 2, 3, 4, 5 सेट में एक ही प्रश्न आया हुआ था, ये कितने काम का हो सकता है। तो कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन रिपीट करा करते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट ही हुआ था उस समय 2016 और 17 में, तो इस पांचों सेट में एक क्वेश्चन आया था, इसलिए आप कह सकते हो कि क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो कुछ यहां से शुरू हुआ करता है। तो फिर आप इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, आप केवल इसका एस सी एफ निकालिएगा, चार जिस विधि से एस सी एफ निकालना, आपके पास चार ऑप्शन होंगे, चारों में से जो भी ऑप्शन होगा उस ऑप्शन का सही, उस ऑप्शन में से आप चुनाव कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके आप इसका आंसर दीजिए और बताइए कि हाँ आपका आंसर कितना आने वाला है, ठीक है। इसका एस सी एफ निकालना और बताना आपका कितना उत्तर आएगा। मैं अगला क्वेश्चन लगाऊंगा क्योंकि ये काफी आसान सा है, पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, पहले क्वेश्चन से ही छोटा है क्वेश्चन जबकि बना हुआ है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं, इसको आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग बढ़ेंगे थर्ड की ओर, थर्ड वाला क्या होगा वो आप देखना, थर्ड को थोड़ा सा हल्का सा चेंज करने वाला हूं, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर अलग टाइप का आपको सीख भी मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा, ये है थर्ड, थर्ड में लिखा गया है कि यहां पर ये हो जाएगा 48, है ना, और क्या होगा 92, तथा क्वेश्चन लिख रहा हूं 48, 92 तथा 140 का क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, और इसका जो विकल्प होगा मैं विकल्प बताऊंगा, विकल्प आपके पास 8 है, दूसरा विकल्प हमारे पास है 6, तीसरा विकल्प होगा जो कि होगा 4, चौथा विकल्प होगा हमारे पास 3। इस तरह से चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से केवल एक ही होगा सही, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये एनटीपीसी के क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, और ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था अगर 31 मार्च को हुआ था, 31 मार्च 2016 की बात कर रहा हूं मैं, और ये क्वेश्चन रिपीटिंग था, रिपीट हुआ था, और 28 अप्रैल 2016 को रिपीट हुआ था, ये सेकेंड एंड थर्ड पाली में हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो एनटीपीसी या फिर जो भी एग्जाम होते हैं रेलवे के, उस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन का लेवल रह जाता है कभी कभी संयोग वश। तो यहाँ पे इसका एस सी एफ निकालना कितना आसान है, चार विकल्प दिए गए हैं, बड़े आराम से काम कर सकते हैं कि इसका एस सी एफ क्या होगा वो बात फाइन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एग्जाम ऐसे ही एग्जाम में आए एनटीपीसी के, यहाँ पर दो दो मतलब तीन तीन पेपर में एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ करता है, तो ये काफी बड़ी बात होती है कभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में रिपीट हो जाया करे। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए ही है, क्वेश्चन 48, 92 और 140 का, आप एस सी एफ निकालिएगा, एस सी एफ को कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे एस सी एफ इसका क्या आने वाला है, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न नंबर फोर्थ पर, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से होगा वो भी करते हैं फोर्थ, लेकिन मैं यहाँ पे हल्का सा पूरी तरह से चेंज करने वाला हूँ आपके लिए, वैसे पूरी सवाल मिलेगी लगाने को, सवाल खूब सारे मिलेंगे और आप इसकी चिंता ना करें, बहुत जल्द ही अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन पहले पढ़ाया है, इसके पहले सरलीकरण, संख्या पद्धति,
जो भी कुछ हुआ था, जैसे कि और वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, ये सारे के सारे जो टॉपिक थे, इन सभी टॉपिक के लिए मैं एक छोटा सा टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ। ये जो टेस्ट होगा मैं उसका डेट भी अनाउंस करूंगा, मैथ के टेस्ट का डेट अनाउंस करूंगा, और मैथ के टेस्ट का जो डेट होगा वो मैं खुद बताऊंगा यहाँ पे आके। और टेस्ट क्या होगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मोड पे होगा, गूगल फॉर्म के थ्रू होगा। आप ईमानदारी से टेस्ट को दीजिएगा, टेस्ट में जो सबसे मैक्सिमम मार्क आएगा उसको मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे टेक्निकल विद एसएस की तरफ से वेरीफाइड सर्टिफिकेट दूंगा आपके जो भी जितने भी मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से। तो जो सबसे ज्यादा सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसके लिए यहाँ पे हम सब की तरफ से बहुत सारी चीजें मिलने वाली है आपको, जैसे कि बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, वो मैं बताऊंगा बाद में। सारी चीजें गुप्त रहेंगी, जो भी इनाम होंगे, जो भी प्राइस होगा, वो सब बाद की बात है। तो यहाँ इसका मैं एक ऐसी बाद में क्लास लेके आऊंगा, इसमें सारी चीजों को डिस्क्राइब करूंगा और आपको बताऊंगा टेक्निकली कि कोई चीज को इस एग्जाम को आप कैसे हेल्ड कर पाओगे, इसका लिंक कहाँ मिलेगा, कब होगा, कितने समय का होगा, सारा कुछ बताऊंगा। नेगेटिव मार्किंग क्या कैसा है, सब कुछ सारी बातें वहां पर बताई जाएंगी। तो मैथ का टेस्ट होगा बहुत जल्द होने वाला है और इसका डेट अनाउंस मैं आके खुद करूंगा इसी चैनल पे किसी वीडियो में। और सारा प्लान हो चुका है, बस सारा काम चल ही रहा है। और टेस्ट ऑनलाइन होगा और कुछ एक निश्चित समय के अंतर्गत होगा, आप उसमें नकल वकल करने के चक्कर में ना रहिएगा, सारा कुछ गूगल के थ्रू होगा और वहाँ पे सारा चीज वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सारा कुछ जो भी बातें हमने अभी तक पढ़ा है पिछले चैप्टरों में, वो सभी चैप्टर से संबंध में क्वेश्चन रहेंगे, यही होगा। अभी से पहले के एलसीएम के पहले के सरलीकरण तक जितने भी यहाँ पे क्लासे ली थी मैंने, यहाँ पे कहें तो 30 उस क्लास या 32 क्लास तक, जो भी 32 क्लास तक थी, 32 के 3200 क्लास तक की जो भी चीजें पढ़ी गई थी, उन सब से संबंध में सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में सारा कुछ मैं बताऊंगा डिटेल बाद में भी, और आप थोड़ा मान के चले कि आपका टेस्ट होने वाला है, आप जानते रहे। आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, फोर्थ नंबर के लिए काम करेंगे। फोर्थ नंबर जो होगा वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे भी एससीएफ निकालना, बट यहाँ पे लेवल चेंज होने वाला है, तरीका बदलने वाला, 0.32 है कॉमा, और फिर 0.2.72 है कॉमा, और फिर 12.8 है कॉमा, है 14.4 है, ठीक है। इतना सा नंबर है, इसका एचसीएफ निकालना है, इसका निकाले हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है, ये चीज करना है। दूसरी बात यह होने वाली है कि इसका एचसीएफ तो फाइंड हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है, ये एनटीपीसी के एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके बारे में मैं विकल्प दे रहा हूँ आपको, विकल्प नंबर होगा पहला होगा जो कि 16 है, दूसरा ऑप्शन मैं यहाँ लिखूँ तो लिख सकता हूँ 1.6 होगा, तीसरा विकल्प होगा जो कि है 0.16 होगा, चौथा विकल्प हो जाएगा 2.72। ये आपके पास ऑप्शन होंगे, ऑप्शन देखिएगा आप, कभी कभी तो क्या होगा ऑप्शन देखकर ही हम लोग काम कर सकते हैं कि हाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ना। जैसे अभी अगर जो बात हो रही है यहाँ पर, सबसे आसान तरीके से कहो तो 0.16 एक ना एक एज्यूम कर सकते हो कि ये आपका क्या आएगा, एलसीएम आने वाला, एससीएफ आने वाला है। इसको इग्नोर कर दीजिए, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये चीजें नहीं होने वाली है। और चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ, इसमें गेस करने की क्या ही बात है, ठीक है, गेस करना सीखेंगे बाद में आप सब। जैसे ये क्या है, जो भी दशमलव में संख्या लिखी गई है इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न बदलेंगे, दशमलव को भिन्न बदलेंगे, भिन्न का फिर एचसीएफ निकालने का तरीका सिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या कहते हैं, यहाँ 32 0.32 है तो 100 से ऊपर मतलब गुणा कर देंगे आंसर में, तो क्या बन जाएगा 32/100 हो जाएगा, ये पहला भिन्न बनेगा। दूसरा यहाँ पे 272/100 क्या होगा, 100 हो जाएगा, और फिर कॉमा लगाएंगे, ये कितना आएगा 12, 128 दशमलव कितना होगा 10 होगा। उम्मीद है कि यहाँ सेकंड ऑप्शन की ओर आप बढ़ने वाले हो, यहाँ पे 100 था मैंने यहाँ गौर ना किया, बाकी ये 14 दशमलव यहाँ पे एक अंक पे था, दशमलव करेंगे नीचे भी दशमलव करना पड़ेगा, तो इस ऐसा कुछ होगा। देखते हैं हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होगा, अभी आप ऑप्शन के ऊपर बिल्कुल गौर ना करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड थर्ड का ही कुछ होगा, आप इतना जान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, जिससे सभी संख्याएं कट जाए, ऐसा कोई एचसीएफ होगा, और जिसे सभी संख्याएं कट जाएंगे वो कोई छोटी संख्या रहा करती है, तो आप इसको तो इग्नोर कर सकते हो पूरी तरह से, ये नहीं आया क्योंकि डेसिमल इसमें नहीं लगा है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप गेस करने वाले हो, आप चलिएगा देखिएगा कैसे होगा। कभी भी जो भिन्न का पासा होता है एचसीएफ बराबर क्या होगा, फ्रैक्शन का एचसीएफ बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा अंश का एचसीएफ निकालते हैं, अंश का एचसीएफ होता है
बटा में हर का एलसीएम होता है। ये चीज होगा यहाँ पे, अंश का मासा होगा, हर का लासा होगा, हर का एलसीएम करते हैं। तो अंश का एचसीएफ कितना आएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे अंश का एचसीएफ कितना हो सकता है, अगर यहाँ से मैं कहकर दिखाऊं थोड़ा सा देखेंगे कितना बनेगा। यहाँ 32 है और यहाँ पे कितना है 128 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 128 को डिवाइड करूंगा। ठीक, मैं डिवाइड मेथड से क्या कर रहा हूँ, एचसीएफ निकाल के दिखाता हूँ। मैं क्या करूंगा, अंश का एचसीएफ निकालूंगा, क्या होगा 32 का कितनी बार जाएगा और 6 × 12 = 4 × 8 = 12 जा सकता है। तो 4 × 4 = 8 होगा, 4 × 12 पूरा कट गया, 32 से कट गया 128, तो 32 से आगे बढ़ाएंगे, 32 से काटेंगे 144 को। ठीक है, एचसीएफ निकालना हूँ, 144 को 32 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 32 से कितनी 7 × 2 = 14 = 7 = 21 ज्यादा होगा 6 × 12 और फिर और कितना आ जाएगा 128 से 32 जोड़े तो 810 हो जाएगा और फिर 8 × 2 = 3 है इतना होगा, 4-5 बार जा सकता है। तो 5 × 2 = 10 होगा, 5 × 15 = 16 ज्यादा होगा ना, 4 बार ही ले जाएंगे। तो 4 बार ले जाएंगे कितना बनेगा, 32 × 4 = 128 आ जाएगा। यहाँ पे सब चेक कर देंगे कितना आएगा, 14 × 4 = 6 बचा, यहाँ का कितना बचा 3 × 2 = 1 16 बच गया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 16 से काटेंगे 32 को, तो 32 कितनी बार जाएगा 2 बार कट जाएगा, 32 पूरा कट गया खत्म हो गया, इतना सा मिला। तो हमारे पास जो लेटेस्ट नंबर कितना आया 16 आ गया है। तो यहाँ पे कहा जाए तो 32 और 128 को भाग करने पे 32 एचसीएफ आया था, बट 32 और 144 को जब करेंगे तो 16 एचसीएफ आया। हमारा 16 जो है लेटेस्ट एचसीएफ है, तो 16 से आगे बात बढ़ाएंगे। जब 16 इसका आ गया, 16 से इसको भाग कर दीजिएगा कितना है 272 है, तो 16 × 16 बन जाएगा 16 और फिर यहाँ पे 4 × 7 = 11 बन जाएगा और एक यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप 7 बार ले जा सकते हो, 7 × 7 = 42 और यहाँ पे 4 × 11 सोच सकते 112 होगा, वैसे भी कट जाएगा, तो यहाँ पे इतना बना। तो क्या कह सकते हैं कि जो अंश था 32, 272, 128, 144 इन सबका जो एचसीएफ आएगा कितना आएगा 16 आएगा, क्योंकि 32 से मैंने क्या किया 128 को भाग किया, 32 से कट गया, फिर 32 से जिसको आगे वाली संख्या काटेंगे हम लोग 124 को भाग किए, इससे क्या मिला आपको एचसीएफ 16 आया। तो यहाँ पे अगर एचसीएफ 16 आया है तो हम लोग क्या करेंगे 16 से बात बढ़ाएंगे, 16 से आगे जो बची संख्या इसको काटेंगे, 16 से काटने की वाली कट गई है, इसका मतलब क्या होगा 16 ही हमारा क्या होगा मासा होगा, एचसीएफ 116 आएगा। अब दूसरा काम क्या होगा, यहाँ 100 है और यहाँ पे 10 है 100 है, इन सबका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कहें तो 100 हो जाएगा। इस हिसाब से क्या बनेगा एचसीएफ का मान कितना आएगा 16 का, अगर हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे कितना है 0.16 बनेगा। ये चीज यहाँ पे आपको करना था, फिलहाल फिर समझिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बताता हूँ कि फॉर्मूला कैसा होता है किसी भी भिन्न के लिए, लासा और मासा का, कोई भिन्न होगा उसका अगर लासा या फिर मासा निकालना है, एलसीएम एचसीएफ कुछ भी निकालना हो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो चीज यहाँ लिखना, लिखते हैं भिन्न के लिए क्या होगा भिन्न का एलसीएम, इसका फॉर्मूला क्या होगा अंश में क्या होगा अंश का एलसीएम है ना, अंश का एलसीएम होगा और फिर अपॉन में हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ, ये चीज होगा। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या होगा अगर भिन्न का एलसीएम निकालना है तो हम लोग अंश का एलसीएम निकालते हैं, बाकी हर का क्या होगा एचसीएफ आएगा। यही जगह पे क्या हो जाए, अगर भिन्न के लिए क्या कर रहे हो हमको भिन्न का अगर एचसीएफ निकालना हो तो क्या हो जाएगा अंश का एचसीएफ करते हैं, अंश का एचसीएफ होगा और फिर क्या होगा और हर का एलसीएम होता है, क्या हर का एलसीएम, ये चीज हुआ। तो यहाँ पे कभी भी कोई भी भिन्न हो, भिन्न के रूप में कोई भी पद लिखे गए हो, उसका हमको लासा या मासा एलसीएम एचसीएफ कुछ भी निकालना हो, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये लिखा गया है। क्या होगा अगर एलसीएम निकालना हो फ्रैक्शन का तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ हो जाएगा। अगर वही अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ होगा, हर का एलसीएम। जो बात निकालना होता है उसको हम लोग पहले करते हैं, उसके अलावा दूसरे एचसीएफ को हम लोग नीचे वाले करेंगे, हर का करते हैं, और अंश का एलसीएम अंश में लिखेंगे, हर का एचसीएफ हर में लिखा करते हैं। तो ये चीज होता है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको हम लोग करके कभी भी किसी सवाल को लगा सकते हैं। उसी से ये लगा हुआ है, तुमने क्या किया दिए गए नंबर को पहले भिन्न बदला, भिन्न बदलने के बाद अंश जितने भी पद थे वो सबका मासा निकाला, एचसीएफ निकाला,
एलसीएफ निकालने के बाद हर का क्या निकालेंगे, एलसीएफ निकालेंगे 100, 100, 10 और 10। ये 10, 10 का गुणज 100 होता है, ठीक है, इसलिए 100 ही क्या होगा, जो गुणज होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास 100 आ जाएगा और इसको भाग करेंगे 0.16 आएगा। ये आपका क्या बना, एलसीएम बनेगा किसका, दी गई संख्या का। तो विकल्प जो भी हो लगा सकते हैं आप, तीसरा विकल्प कह लीजिएगा, ये बात बनेगी। ऐसी लग गई है सवाल आपकी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका फिफ्थ नंबर होगा। फिफ्थ नंबर आप देखिए और आप समझना कैसे फिफ्थ नंबर आने वाला है, किस तरह से उसको करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन होगा कुछ ऐसा कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 1048 है, 1048 है, वह दूसरी संख्या यहीं पे दिया गया 1447 है, कितना 1447 है, इसका क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है, ये काम करना है। और ये भी रेलवे के मतलब NTPC का ही ये क्वेश्चन है, ये NTPC मेंस क्वेश्चन है, NTPC का मेंस क्वेश्चन में 2017 में आया हुआ प्रश्न है, मुख्य परीक्षा होती है उस परीक्षा का ये प्रश्न है। और यहाँ पे जो विकल्प आपके लिए होंगे 311 लिखा गया है और दूसरा विकल्प आपके सामने है 113 है, 131 होगा, 11 होगा, ये चार ऑप्शन होंगे। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा आपके सवाल का सही आंसर, ठीक है। इस तरह सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पे क्या निकालना है, 1048 और 10 यहाँ पे 1441 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ को निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं भाग विधि से एचसीएफ निकालूंगा। आपके पास चार विकल्प हैं, चारों विकल्प में से एक होगा सही, लेकिन यहाँ पे करना होगा हम सबको हल। क्या है, 4, 10, 48 है, छोटी संख्या से भाग करेंगे, बड़ी संख्या के लिए करना है भाग, ठीक है। यहाँ कितनी बार जाएगा, 10, 48 का 1447 में एक ही बार जा पाएगा, एक बार ले जाएंगे भाग, एक का 10, 48 लिख दीजिएगा। यहाँ 10 में से घटाएंगे मतलब 11 में से 8 घटेगा, 3 आएगा, यहाँ बचा 9 बचेगा और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3 बचेगा, इतना बचा, ठीक है। 393 से हम लोग भाग करेंगे 10, 48 को। अब पीछे वाली संख्या को ऐसे बार बार उतारते जाएंगे, शेषफल से भाग करते जाएंगे, ठीक है। कितनी बार जा सकता है, अगर यहाँ कहें तो ये 4000 के 400 के आसपास है और 4 3 12 यहाँ पर 4 2 8 दो बार जा सकते हैं ना, दो बार ले जाएंगे तो 2 3 6 होगा, 2 9 18 होगा, है ना, और फिर 2 3 6 7 हो जाएगा, 786 बन गया है। यहाँ 8 में 6 घटेगा तो यहाँ कितना कह सकते हैं, 2 कहेंगे, 14 में से 8 घटेगा तो 8 6 14 बन जाएगा, यहाँ कितना बचा, 9 9 में 7 घटेगा तो 2 आ जाएगा, 200 कितना बन गया है यहाँ पर, 62 बनेगा। हम लोग भाग करेंगे फिर से 993 को भाग करेंगे, कितनी बार जा सकता है, एक ही बार जाएगा तो 1 का 2 6 और 2 आएगा। भाग कीजिए यहाँ पे, घटाएंगे तो 1 आएगा 3 आएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है, इतना सा बनाएंगे। हम लोग किसको भाग करेंगे, 262 को भाग करेंगे, कितने से, 131 से, कितनी बार जाएगा, दो बार जा सकता है, 2 1 2 2 3 6 2 1 2। इस तरह से आपका पूरा का पूरा पद कट जाएगा। जिस संख्या से भी क्या होता है, पूरा भागफल मतलब जो भी होता है भाग मतलब शेषफल शून्य हो जाता है, जिस पद से जिस भी संख्या से शेषफल शून्य हो जाए उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे एचसीएफ कहते हैं। तो आपको जो एचसीएफ आएगा वो 131 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3rd होगा। ये लगती है एचसीएफ लगाने के तरीके। तो कुछ यहाँ पे साधारण प्रश्न आपने लगाया, अभी हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया एचसीएफ के लिए जो काफी बेसिक क्वेश्चन हुआ करते हैं। इस तरह से बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में फिर से मिलने वाला हूँ, फिर से मिलूंगा तो वहां पे आपको एलसीएम के कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसके साथ ही कुछ नई चीजों को सिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल चलते हैं, फिर से मिलेंगे नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।